राजधानी दिल्ली के लोग 17 साल के सबसे घने स्मॉग से बेहाल है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि एयर क्वालिटी तय मानकों से 12 गुना खराब हो चुकी है। हवा इतनी खराब है कि उससे बदतर स्वाद और बदबू की से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। लोग खांसी और आंखों में जलन के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में केंद्र और दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली NCR में जहरीली हवा से हर कोई परेशान है। स्मॉग का अटैक संडे पर भारी पड़ रहा है। पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर बैठकों का दौर चल रहा है और सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली से सटे राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। LG नजीब जंग ने भी सोमवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इससे पहले इसी सिलसिले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने राज्यों को सहयोग का भरोसा दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ है। मैं सोमवार को सारे पर्यावरण मंत्री जो चारों राज्यों के अपने आसपास हैं प्लस दिल्ली, इन सबको बुलाने जा रहा हूं और उनके साथ इस बात का आग्रह करेंगे कि जो पराली जला रहे हैं उसके कारण दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग आता है, जो धुआं आता है, उसको हम रोक सकते हैं। तो उसको हम सोमवार के दिन करेंगे और भी जो आवश्यक कदम ऐसे जिसके कारण कि इस आपातकालीन अवस्था से बचा जा सके, उसके लिए चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि उसके परिणाम जल्दी। दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, जिसको लेके सभी लोग चिंतित हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उसी के लिए जो हमने थोड़ी सी प्रिलिमिनरी स्टडी करवाई थी, उससे ये सामने आया है कि दिल्ली के वजह से भी बहुत पोल्यूशन होता है। डस्ट होता है, व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, गार्बेज बर्निंग होती है, लेकिन वो तो पहले से भी था, लेकिन पिछले 5-7 दिन में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? तो वो जो क्रॉप बर्निंग हो रही है आसपास के स्टेट्स में, जो फसल जलाई जा रही है, वो उसकी जो स्टबल है, तने जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, और वो 16 मिलियन टन, 20 मिलियन टन अलग अलग एस्टिमेट्स हैं कि इतने बड़े स्तर पे जल रहा है। वो जो धुआं आ रहा है, वो धुआं आके, और अभी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने समझाया कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ये चैम्बर बन गया है और ये धुआं बाहर नहीं निकल रहा, ट्रैप हो गया ये दिल्ली के अंदर। तो मैंने उनसे निवेदन किया और दवे साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सेप्ट भी किया कि क्यों ना आसपास के जितने स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्रियों को अगर मंडे को बुला लें और मुख्यमंत्रियों के लेवल के ऊपर तुरंत निर्णय हो जाए, क्योंकि किसान के पास अभी कोई चारा नहीं है जिसकी वजह से वो फसल जला रहा है। उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा किसी ना किसी तरह का, ताकि वो फसल जलाना छोड़ के उस इंसेंटिव की वो करे। तो उन्होंने कहा है कि वो बाकी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मंडे मॉर्निंग अगर एक मीटिंग हो सके सभी मुख्यमंत्रियों की और उसमें कुछ निर्णय। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी स्मॉग का असर देखने को मिल रहा है। स्मॉग का सबसे ज्यादा असर सांस के मरीजों और बच्चों को देखने को मिल रहा है और ज्यादातर स्कूली बच्चों ने आंख में जलन और खांसी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की है। वहीं स्कूल के ने भी छात्रों को स्मॉग से बचने के लिए मास्क किट बांटे। पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और जब सुबह हम आए तो हमें ये चीज नजर आई कि बच्चों को इस समय मास्क की बहुत आवश्यकता है। स्कूल में इस तरह के सेमिनार भी कराए जा रहे हैं बच्चों के लिए कि उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं। मेडिकल नर्स की भी स्कूल में अरेंजमेंट है कि किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत उसे प्रिकॉशन दिया जाए, उसे इनहेलर दिया जाए। और आज हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम रखा है जिसमें हम पेरेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में भी प्रदूषण का असर देखने को मिला। शनिवार को दिन भर धुंध छाई रही और आगरा प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक आम दिनों में प्रदूषण का आंकड़ा 2.9 PM तक रहता है, लेकिन दिवाली पर हुई आतिशबाजी की वजह से आंकड़ा 291 PM तक पहुंच गया है। इधर यूपी के शामली में भी स्मॉग से करीब 6 ग्रामीण और 1 दर्जन पशुओं की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। स्मॉग की वजह से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है।
भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज भारत के दौरे पर आ रही हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा मुख्य रूप से व्यापार और रक्षा सौदे पर फोकस रहेगा। एक बड़े बिजनेस डेलीगेशन ने के साथ यूरोप के बाहर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की समस्याओं पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत ही अच्छे संबंध है और भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के इस दौरे से ये और भी मजबूत होगा। साथ ही डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि ब्रिटेन सरकार को भारतीय कंपनियों को व्यापार और रोजगार के लिए और भी सपोर्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मानवीय रवैया अपनाने पर जोर दिया और कहा कि अशांत राज्य के लिए केंद्र सरकार की विकास पहलों में विकास और विश्वास मुख्य आधार होगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की वृद्धि और विकास और खास तौर से गांवों का विकास जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं उनके एजेंडे में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री राज्य की 4000 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंचायत नेताओं के शीर्ष संगठन और जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे और प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई संगठन के अध्यक्ष शफीक मीर ने की। पीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान मोदी ने मानवीय रुख पर जोर दिया और कहा कि विकास और विश्वास जम्मू कश्मीर राज्य के लिए केंद्र सरकार की पहलों का आधार रहेगा। वहीं 30 सदस्यों के इस दल ने पीएम को राज्य के स्कूलों में आगजनी पर जानकारी दी और जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद रहे। विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को सरकार ने पूर्व अनुमति श्रेणी में डाल दिया है। इसके चलते अब ये केंद्र की अनुमति के बिना विदेशी धन हासिल नहीं कर सकेगा और गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा है कि उपलब्ध रिकॉर्ड और खुफिया एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ये कदम तब उठाया गया है जबकि विभिन्न जांच में पाया गया है कि नाइक एनजीओ के लिए आय धन का इस्तेमाल युवाओं को कथित रूप से कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने में कर रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जाकिर नाइक की ओर से शुरू किए गए अन्य एनजीओ के FCRA पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में संस्था को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर विरोधी पार्टियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि 95% पूर्व सैनिक नई पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये सभी OROP यानी वन रैंक वन पेंशन योजना से संतुष्ट भी है। समस्या 4-5% पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार वालों को आ रही है जिसे जल्द सुधार लिया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मामले से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा कि 1962-1965 के युद्ध से जुड़े पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के रिकॉर्ड में वैसी जानकारियां उपलब्ध नहीं है जो नई योजना के लिए जरूरी है, लिहाजा इन्हें वन रैंक वन पेंशन से नहीं जोड़ा जा सकता। और पर्रिकर ने के मुताबिक इसे 2 महीने के भीतर दुरुस्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलने के चलते पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि राजनीति करने वाले इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। इन्हें वन रैंक वन पेंशन से दिक्कतें हैं लेकिन पूर्व सैनिक इससे बहुत खुश और संतुष्ट है। पर्रिकर ने कहा है कि ये नेता राजनीति के चश्मे से मुद्दे को देख रहे हैं, ये वो पूर्व सैनिक की तरह नहीं सोच रहे। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक यहां से 60 किलोमीटर दूर दोबजान गांव में 4 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने सुरक्षा बलों के सहयोग से गांव को घेर लिया था लेकिन सुरक्षा बल जब एक निश्चित मकान की ओर बढ़े तो वहां छुपे आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़ने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी और जिससे एक आतंकवादी मारा गया और वसीम अहमद नाम के आतंकी के पास कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि मारा गया आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था।
दिल्ली के सिरे फोर्ट ऑडिटोरियम के पास एक लड़के और एक लड़की को अज्ञात शख्स ने पीछे से गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि गोली मारने की सही वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वारदात बीते रात करीब 9:45 की है। किसी ने दिल्ली पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी और पूरा मामला क्या है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। इनिशियली घटना यही है कि दो जो इंजर्ड है वो आइडेंटिफाइड हुए हैं, एक काजल जतिन सरकार और एक लेडी है उनके साथ, ये दोनों आइडेंटिफाइड है। बाकी लोगों की आइडेंटिटी अभी फिक्सअप नहीं हुई है, एक जन और जो है, और किस कारण से हुई है जब तक उनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड होगा बताया नहीं जा सकता। काजल जतिन सरकार जो है वो आइडिया नेटवर्क में काम करते हैं नोएडा में, बस अभी इतनी जानकारी मिल पाई है। एलजी नजीब जंग के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने कहा है कि जेएनयू से गायब छात्र नजीब का ब्यौरा वीडियो के जरिए ट्विटर और न्यूज चैनल में शेयर किया जाएगा। वीडियो में तस्वीरों के अलावा फोन नंबर भी दिए जाएंगे और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने न केवल दिल्ली बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पोस्टर्स लगाए हैं और पुलिस ने अलग अलग टीमों को बनाकर छात्रों को खोजने के लिए रवाना कर दिया है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष कृष्णा सैनी को हटाए जाने को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली की आप सरकार के बीच एक और विवाद छिड़ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के आदेश को रद्द करते हुए आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में बिजली दरें बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है और केजरीवाल ने बिजली सचिव सुकेश जैन पद से हटाने के लिए भी उपराज्यपाल नजीब जंग पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैन को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने उपराज्यपाल कार्यालय के कहने के अनुसार सैनी की नियुक्ति अधिसूचना को रद्द नहीं किया जाए और जंग ने सैनी को हटाने का निर्देश दिया था और कल इस बारे में आदेश जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि सैनी को तुरंत प्रभाव से हटाने के एलजी कार्यालय से दिए गए कथित आदेश को शुरू में सुकेश जैन के द्वारा मानने से इनकार किए जाने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। आज जलंधर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल करतारपुर में 25 एकड़ में फैले 200 करोड़ के प्रोजेक्ट जंगे आजादी वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी मौजूद रहेंगे और बता दें कि वॉर मेमोरियल के अंदर आजादी संग्राम में पंजाबियों के रोल को प्रतिमाओं के रूप में चित्रित किया गया है। यहां पेंटिंग्स भी है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। पत्रकार बरजिंदर सिंह हमदर्द का ये रिपोर्ट। मुंबई में आज मराठा मूक मोर्चा निकाला जाएगा। चूना भट्टी से सीएसटी तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में मराठा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मराठाओं को आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर यह मार्च निकाला जाएगा। इससे पहले भी मराठा मूक मोर्चा ने मार्च किया था और मराठा मूक मोर्चा कोपड़ी बलात्कार एवं हत्याकांड के अभियुक्तों को फांसी एससीएसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 खारिज करने और मराठाओं को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम आदमी की जेब में सेंध मारी है। कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करते हुए बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 86 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये कीमतें बीते रात से लागू हो गई और इसके पहले 15 अक्टूबर को तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई थी। तब पेट्रोल की कीमतों में 1.34 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी जबकि डीजल में 2.37 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मैगी के सैंपल में गड़बड़ी मिलने के बाद कोर्ट ने एजेंसी पर 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर पर 75,000 और दुकानदार पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल 26 मार्च 2016 को खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने प्रतापगंज की एक दुकान पर छापा मारा था। इस दौरान मैगी के पैकेट को जांच के लिए भेजा गया था। 17 अप्रैल को रायपुर की लैब में जांच के बाद पाया गया कि पैकेट पर दी गई जानकारी और मैगी में मौजूद कंटेंट भी काफी फर्क है।
यूपी के कुशीनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेबस माँ को बेटे के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लोगों की नजर बेटे के शव को लेकर घर जा रही माँ पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर टेम्पो से महिला को उसके घर भिजवाया। जानकारी के मुताबिक पडरौना के समेरा हरदा गांव की बुधिया देवी अपने बीमार बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने वक्त पर इलाज करना जरूरी नहीं समझा। बच्चे की मां बार बार अस्पताल के स्टाफ से जल्द इलाज करने की फरियाद करती रही। काफी देर बाद जब डॉक्टरों ने बच्चे को देखा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन ने बेबस और लाचार माँ को बेटे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दिया। थकाकर मां अपने बेटे का शव गोद में ही लेकर चल पड़ी। फिलहाल मामले में अस्पताल प्रबंधन और दूसरे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में जुट गए हैं। यूपी के बुलंदशहर से पुलिस के दो अलग अलग रूप वाली तस्वीरें सामने आई है। पहली तस्वीर में सादे कपड़े में एसएसपी सोनिया सिंह है, और जो अपने टीम के साथ शहर के रास्तों पर गश्त लगा रही हैं, और सोनिया उनकी टीम शहर में बढ़ती छेड़छाड़ की घटना पर लगाम लगाने के लिए खुद मोर्चा संभालती दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर में एसएसपी सोनिया सिंह की टीम राह चलते लोगों की पिटाई करती नजर आ रही है। ऑटो वाले से लेकर बाइक सवार लोगों की पिटाई कर सारे सवाल खड़ा कर रही है, और कि कानून के नाम पर कानून को हाथ में लेने का अधिकार एसएसपी और उनकी टीम को किसने दिया। पहली तस्वीर काबिले तारीफ है, लेकिन दूसरी तस्वीर कानून का मजाक दिखाई दे रही है। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने बताया है कि व्यापम घोटाले की जांच में कई कॉलेजों के छात्र शामिल पाए गए हैं। वहीं सीबीआई ने इस मामले में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर नई पेंशन स्कीम शुरू करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से 6 हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज से 2 दिन चलने वाले संस्कृति संसद की शुरुआत हुई। देश दुनिया से आए लेखक, पत्रकार, कलाकार और बुद्धिजीवी इस संस्कृति संसद में हिस्सा ले रहे हैं। संस्कृति संसद में शिरकत करने बलूचिस्तान की नेता प्रोफेसर नायला कादिर बलोच भी काशी पहुंची है। छठ पर्व के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। सोमवार को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि डिफॉल्टर्स की वजह से बैंकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और जेटली ने कहा है कि डिफॉल्टर्स की वजह से बैंकों की मोटी रकम ब्लॉक हो गई है, जो कि चिंता की बात है। एसबीआई की 100 विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट में विजय माल्या का नाम सबसे ऊपर है। सूत्रों के मुताबिक विजय माल्या के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.20 लाख 1.40 करोड़ का बकाया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम एग्नाइट एजुकेशन लिमिटेड का है। इसके ऊपर 3.15 करोड़ का बकाया है। एयर एशिया इंडिया में गड़बड़ी की जांच कर रही डेलोटी टॉश ने भारत और सिंगापुर में वित्तीय अनियमितता की बात कही है। प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच में मामला सामने आया है कि एयर इंडिया कमीशन के पूर्व सीईओ मिट्टू चंडीलिया ने सिंगापुर की एक ऐसी कंपनी को भुगतान करवाया जिसे कोर्ट सर्विस नहीं दी गई। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मुसीबतें कम होती नहीं नजर आ रही हैं, और पहले गैलेक्सी नोट 7 और अब टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में विस्फोट ने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका में करीब 750 शिकायतें दर्ज होने के बाद करीब 28 लाख वॉशिंग मशीन रिकॉल की गई है।
साइरस मिस्त्री को इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड से बड़ा सहारा मिला है। IHCL की बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने मिस्त्री पर भरोसा जताया है। बोर्ड बैठक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री के कामकाज की तारीफ की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। दीपिका ठाकुर के आखिरी मिनट में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने रोमांचक फाइनल में चीन को 2-1 से हराकर पहली बार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले कराए गए एक ताजा सर्वे के मुताबिक व्हाइट हाउस के लिए उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ 2% अंकों से आगे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की रैली में हंगामा हो गया। नॉर्थ कैरोलिना में हिलेरी के समर्थन में रैली करते वक्त बराक ओबामा को अपनी स्पीच बीच में ही छोड़नी पड़ी और एक बुजुर्ग ट्रंप समर्थक अचानक हाथ में बैनर लेकर शोर मचाने लगा। उसके बाद वहां मौजूद ओबामा समर्थकों ने भी उसके खिलाफ हंटिंग शुरू कर दी।